हरे कृष्णा दोस्तों, तो उठ चुके हैं, सुबह के बजे हैं 5 और हम जा रहे हैं अपने पंडाल की ओर। यहाँ से हमारे गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होने वाली है, तो आप भीड़ देख सकते हो, सभी भक्त आ चुके हैं। तो रास्ते में चलते हुए इतना भव्य गेट दिखा, तो आप देखिए कितना सुंदर है। परिक्रमा के बीच में हमें ये कुंड मिला है, संकर्षण कुंड, और प्रभु जी ने बोल दिया है अगर किसी ने डुबकी लगाने की कोशिश करी तो उसको कुंड में खड़े रहने की पनिशमेंट दी जाएगी 2 घंटे। अभी खड़े हुए हैं हम संकर्षण कुंड के बाहर। नौ किलोमीटर हो चुका है, सिर्फ 3 किलोमीटर और बचा है। टिके हैं गोवर्धन के स्कॉन टेम्पल में, तो यहाँ पर हमारे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था है, जिसमें कि आप केले जितने मर्जी उतने खाओ और रियल जूस, वो भी जितना मर्जी उतना पियो, कोई रोक टोक नहीं। पहले परंपरा में से भी आया है, देवराज इंद्र की पूजा प्रफुल्लित होते थे, इतने खुश हो जाते थे कि उनके पूरे शरीर फुल के वापस कैंप पर लगा हुआ है, वहाँ पे प्रसाद हम लेने के लिए है ना। प्रभु जी कुछ कहना चाहोगे, कितना मजा आया? हरी बोल, काफी आनंद आया, हरी बोल। तो एक बार फिर से गिरिराज जी महाराज के दर्शन हो गए हैं। जय गिरिराज महाराज। अब प्रसाद हम लेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा फिर चलते हैं रूम पे, फिर आराम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप भी प्रसाद पाइए। प्रसाद बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप भी यहाँ पर आइए। हरे कृष्णा। तो भाई अब हम जा रहे हैं बरसाना। सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं, पता नहीं क्या है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। माला तो चढ़ा ले। एक तो लाडली जी महाराज के दर्शन और यहाँ से ये नजारा, अलग ही बात है। हरे कृष्णा। लाडली जी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं कुशल बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये महल या मंदिर जो भी कह लो, मान सिंह ने राधा रानी के लिए बनवाया था। मान सिंह के लिए बढ़िया, एकदम बढ़िया। गलत टाइमिंग हो गई, दोपहर में पहुंचे बंद अखबार। श्री जी के लिए, श्री जी यहाँ निवास करें, लेकिन श्री जी ने सपने में उनको आदेश दिया था कि वो अपने श्री जी महल में निवास करेंगी, तो यहाँ पे दूसरे विग्रह रखे गए थे, उनकी यहाँ पे पूजा होती है यहाँ के मंदिर की। हरी बोल, हरी बोल। इसी से थोड़ा सा और आगे है श्री राधा दान विहारी जी मंदिर। दर्शन कर रहे हो ना, मनिहारी का भी सुना है, चूड़ी बेचने आई थी ना, वो ही दर्शन। पूरे ब्रज में कृष्ण भगवान ने गोपियों से दान लिया है, दूध दही माखन मिश्री का। यहाँ पे राधा रानी को बंसी का दान दिया है,
बंसी यहाँ राधा रानी की चरणी है और यही प्राचीन राधा रानी का झूला है। हरियाली तीज को इस पे झूला डरते हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, यहाँ पर तो जरूर आइए। ये भैया दान मंदिर दानगढ़, और यहाँ से हम नीचे आए हैं और हम जा रहे हैं इस रास्ते की ओर एक नई जगह, आपको भी दिखाते हैं। ये सारे जो यहाँ के वृक्ष हैं, ये सारे कल्प वृक्ष हैं जो राधा जी ने अपने हाथों से लगाए थे यहाँ पे स्वयं बरसाने में। आप देख सकते हैं इनको, देख लो सारे के सारे 5000 साल पुराने पेड़ हैं। 5000 साल पुराना। डोंगर भैया आप जाइए, पर वो क्यों हमारी जान हाफत में गिरवाना चाहते हो आप लोग? प्रभु जी एक बात बताऊं वैसे आपको, बंदर जी बंदर ना हमेशा झुंड में रहते हैं और ये अकेले बैठे हैं। हनुमान जी ने दर्शन दिया है। जय हो मोर कुटी। तो ये थोड़ा सा बस दानगढ़ी से थोड़ा सा और आगे पड़ता है। यहाँ की महिमा ऐसी थी कि राधा जी एक बार क्रोधित हो गई थी कृष्ण भगवान से घेवर वन में, तो यहाँ ऊपर आकर के बैठ गई थी। तो कृष्ण भगवान मयूर मोर का रूप लेकर के आए थे राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो वही ये मंदिर है मयूर कुटीर नाम से, जहाँ पे दोनों ने मिलकर नृत्य किया था मयूर बन के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समय का कुछ ऐसा अभाव है कि मोर कुटी के भी कपाट बंद हो चुके थे, तो अब हम वापस मंदिर की ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से अपने विप्लव कैंप की ओर चले जाएंगे। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो गोवर्धन की परिक्रमा और फिर बरसाना घूमने के बाद सबकी आप हालत देख ही सकते हो बिल्कुल कैसी हो चुकी। अगली बार 10,000, तो आपका स्वागत है अगली बार में, आइए आप भी जरूर। तो अभी हम अपने वापस पंडाल में आकर बैठ चुके हैं। भक्ति विजयन गोस्वामी जी महाराज का प्रवचन चल रहा है। तो एक छोटा सा माइम एक्ट हो रहा है जिसमें कि आप कोई भी डायलॉग वगैरह नहीं बोलते हो, सिर्फ एक्ट करके अपना जो भी अपना मोटिव है आपका, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो वो दिखाते हो। तो इसमें जो ये प्रभु जी है ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो हम अपनी हमारी इंद्रियां हैं जैसे आँख नाक जीभ टच, इन सब से प्रभावित होकर बस इनके ही चरणों में पड़े रहते हैं। गुटखा पान तम्बाकू इत्यादि इत्यादि चीज़ें सिगरेट आते रहते टीवी पे नहीं खाने चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। तो इस एक्ट से मतलब यही बताने की कोशिश करी है ना, अपनी बुरी आसक्तियों से ये निवार पाना चाहते हैं। तो अभी आए हैं विप्लवा कैंप करने। पहले जब इन्हें ज्ञान नहीं था तो इनकी इंद्रियां जैसे इनसे करवाती वैसे ही करती थी, लेकिन अब जब इन्होंने भगवत गीता से ज्ञान ले लिया तो ये अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों से वो करवाते हैं जो ये खुद करना चाहते हैं।
अपनी माँ को इसी धरती पर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे।
तो एक एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि अब होने वाला है हिज हाइनेस गोपाल गोस्वामी प्रभु जी का इंटरव्यू जो कि लेंगे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। अब होगा कीर्तन जिसपे की सारे के सारे भक्त झूमने वाले हैं जो कि करवाने वाले हैं हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी। सबसे बढ़िया फेस्टिवल लगा मुझे अमेजिंग वाओ हरे कृष्णा हरे बोल सो अमेजिंग। प्रभु जी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? जैसा आप देख सकते हैं हम कितने मजे से खा रहे हैं। जी जी प्रभु जी बिल्कुल तो हमें अच्छा ही लग रहा है। आई प्रॉमिस द नेक्स्ट टाइम 10,000 पीपल विल कम इन दिस सो विप्लव हरे कृष्णा
तो प्रसाद पाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में, जहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे रखी हैं, जो कि एक से एक लग रही है, मतलब मज़ा ही। ये देखो मछलियाँ भी तैर रही हैं इसमें तो, वाह। और देखो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मतलब हर किसी ने बस इस तरीके से एक्सप्लेन कराया कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड है और उससे हम भक्ति करके मोक्ष पा सकते हैं, किस तरीके से भगवद गीता हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna. तो प्रभु जी हम प्रसादम पा के अब चल दिए अपने रूम की तरफ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, पूरे दिन तो आपने देख लिया हमने क्या क्या करा है, अब मिलते हैं कल। हरे कृष्ण बोल रहे हैं। हरे कृष्ण।